कम ममता आ जाओ। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बोलो अपने बारे में बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। मैं बहुत दिन से क्लासेस कर रही हूँ। आज 8 साल 5 साल पहले मेरे को एक मैम मिली थी जो मनप्रीत चिम्मा थी, चंडीगढ़ से थी वो। लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा सिखाया था। उस समय मैं बहुत एज कम था जिसकी वजह से नहीं इतना चीज कैच की। कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड ने ये आपका आईडी दिया, बताया, उन्होंने ही मुझे ज्वाइन कराया। मैं देखती एक दो बार आपको फॉलो की, उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा ना। और इतने कम प्राइस में आपने जो क्लास किया है मैम, वो कोई भी आज तक मैंने नहीं देखा है कि इतना कम में भी प्राइस में। फिर बोला ऑनलाइन कौन सिखाता होगा ऐसे। फिर मैं सोची ऑनलाइन में क्या सीखेंगे। फिर मेरा फ्रेंड ने बोला कि नहीं तुम एक बार ट्राई करो, कुछ नहीं तो तुम इधर उधर दिमाग अपना लगाते रहो तो कम से कम इस पर फोकस करोगे। और दुकान भी है मेरा, अभी जस्ट 1 साल भी नहीं हुआ, मैं चलाती थी, मेकअप करती थी, लेकिन इतना मैं फिनिशिंग नहीं देती थी जितना आपके आने के बाद। आपका क्लास अटेंड करते करते जो मेरा मेकअप में फिनिशिंग आया है, वो मेरे को अभी इच्छा हो रहा है कि ऑफलाइन आके यहाँ पे मैं क्लासेस करूँ। एब्सोल्युटली सी, जितना भी ऑनलाइन में मैंने फॉलो किया, मैं यहाँ तक कि पार्क जाके, फिटनेस जाके, जिस दिन मैं नहीं जाती थी या कभी घर पे रुकती थी तो घर में भी मैंने क्लासेस लिया, कभी फ्रेंड लोग के घर पे जाके, लेकिन क्लासेस मिस नहीं करती थी। बाय मिस्टेक ऐसे हॉस्पिटल में मेरी भाभी का डिलीवरी हुआ तो उस दिन भी हम लोग हॉस्पिटल के बाहर क्लासेस लिए। ऑनलाइन के समय कहीं ना कहीं आके बैठ के हम लोग क्लासेस करते थे, पार्क में भी बैठे, क्योंकि इतना अच्छा लगता था वो जर्नी। 3 से 4 मंथ कैसे पार हुआ, इतना अच्छा पार हुआ। लेकिन मैम अभी जब क्लासेस नहीं हो रही, बहुत बोरिंग है। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं मुंबई फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आकर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहती हूँ। पूरा पूरा ओल्ड होकर परफेक्ट एकदम, मतलब परफेक्ट ही बनना एकदम। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा टीचर अभी तक नहीं मिला था। क्योंकि हम लोग राहुल किला में ऐसे हैं, मैम बहुत सारे पैसे लेते हैं लेकिन ना कोई ऐसे स्टूडेंट को ट्रीट नहीं करता जैसे आपने किया है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से कहीं स्टूडेंट रही, कहीं स्टाफ रही, काम किया, लेकिन ऐसे मुझे किसी ने नहीं सिखाया। जो आपने ऑनलाइन सिखाया तो ऑफलाइन कितना अच्छा हो सकता है उसको हम सोच सकते हैं। इसलिए मैम आप मेरे लिए बहुत बड़ा गुरु हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सिखाया। थैंक यू बच्चे, और सर को भी मैं मिस करती हूँ। सर से मैं हेयर का पूरा कोर्स लेना चाहती हूँ। सर भी आने वाले हैं, आएंगे सर। सर को मैं इसीलिए मैं बोली थी मेरे को आपसे मिलना है, उसके बाद इसीलिए मैं आपसे मिलने पहले क्लासेस स्टार्ट हुआ तो मैं नहीं सोची थी मैं मुंबई आऊंगी, लेकिन जैसे होते गया ना मैं बोली नहीं मैं जाके ही मैम से मिलूंगी और ये सारी बातें करके ही मैं आऊंगी ताकि मैं ऑफलाइन जल्द से जल्द यहाँ आऊँ। अब राउरकेला से आए हो, राइट? राउरकेला से। एक चीज है, आप लोग सब लोग बैठे हो, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो, इतनी दूर दूर से आए हो, आप लोग यहाँ पे मिले हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके, एंड मुझे इतनी खुशी होती है कि नॉर्मली मुझे नहीं लगता ऑनलाइन का कोई ऐसे जाके नो मिलते हैं या ऐसे करते हैं, राइट? बहुत है कि नहीं? आप लोग इससे पहले वाले बैच भी, मतलब कहाँ कहाँ से, दुबई से वो बच्चा मुझसे सिर्फ मिलने के लिए यहाँ पे आया है। सो आप लोग पूरे इंडिया से आए हो, कहाँ कहाँ से आए हो, थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, हम भी प्राउड फील करते हैं, काफी सारे टीचर है हमारे पास। आप तो प्यार लेके आए हैं। यस यस।